हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल काटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे बैरियर नर्सिंग के बारे में। जो भी बैरियर नर्सिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे कि बैरियर नर्सिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी सीरियस इन्फेक्शन वाले पेशेंट की अगर आप केयर कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बैरियर नर्सिंग अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। और हम इस वीडियो में देखेंगे जो भी बैरियर के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, कौन से मेथड काम लेते हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में देखिए, तो बैरियर नर्सिंग है ये एक आइसोलेशन टेक्निक है जिसके द्वारा जो भी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है, उसको जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो उनके संपर्क में आए और उनसे अगर उनसे इन्फेक्शन फैले तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, बैरियर नर्सिंग। ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो आइसोलेशन टेक्निक काम में ली जाती है, जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, उनके द्वारा बैरियर नर्सिंग है वो काम में ली जाती है। क्यों? इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसमें नेक्स्ट देखिए, जो इन्फेक्शियस पेशेंट है यानी जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उसकी देखभाल करने वाले जो भी मेडिकल पर्सनल है उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या काम में लेते हैं, ग्लव्स, मास्क, गाउन, उनका यूज़ लिया जाता है। जो पीपी किट है उसको काम में लिया जाता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन देखिए, ये लाइन आपको हर बार देखने को मिलेगी, ये इम्पॉर्टेंट है। जो हैंड हाइजीन है यह सिंपलेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेजर है फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल इज, तो आंसर क्या होगा, हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मेथड ऑफ बैरियर नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग के मेथड के बारे में। इस वीडियो में हम कौन कौन से जो टेक्निक है, कौन कौन से मेथड है वो पढ़ेंगे, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले है एसेप्टिक टेक्निक, इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम मेडिकल और सर्जिकल जो एसेप्टिक टेक्निक है उसके बारे में देखेंगे। आइसोलेशन के बारे में देखेंगे, सेफर हैंडलिंग और साफ्स के बारे में देखेंगे, लिनन हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल हैंडलिंग, बायोलॉजिकल स्पील्स, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, रिस्क असेसमेंट और स्टाफ हेल्थ। ठीक है, इन टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक में देखिए, जो एसेप्टिक टेक्निक है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस, जो मेडिकल एसेप्सिस है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फैलने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, क्लीन टेक्निक काम में लेते हैं। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फैलने, इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्लीन टेक्निक काम में लेते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट सर्जिकल एसेप्सिस, इसमें हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको फैलने को रोकने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, स्टराइल टेक्निक। जो सर्जिकल एसेप्सिस है इसमें स्टराइल टेक्निक काम में ली जाती है, जैसे स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन इसमें जो फर्स्ट आइसोलेशन की बात करेंगे वो क्या है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। जो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन है इसमें जो भी पैथोजेनिक एजेंट है वो कहाँ से ट्रेवल करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से हम उनको रोकेंगे। तो इसके लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट है वो काम में लिए जाते हैं, जैसे फेस मास्क है, एयरबोर्न आइसोलेशन। यह टेक्निक 5 माइक्रोमीटर से कम साइज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए काम में लेते हैं, जो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल है उससे जुड़े रहते हैं, एयर से वो ट्रांसमिट होते हैं, ये एयरबोर्न इन्फेक्शन है। अगर इसको अपने को दूर करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, एयरबोर्न आइसोलेशन करेंगे। जैसे एयरबोर्न आइसोलेशन में कौन सी डिजीज हैं, मिजल्स है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है और वेरिसेला। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉपलेट आइसोलेशन। इस टेक्निक में जो 5 माइक्रोमीटर से अधिक साइज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो पेशेंट के कफ है, स्नीज है और स्प्लिट से निकलते हैं, उनके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ड्रॉपलेट आइसोलेशन करते हैं। एयरबोर्न आइसोलेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज़ थी वो कितनी थी, 5 माइक्रोमीटर से कम, और यहाँ पर कितनी है, 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा। तो जैसे आपने देखा होगा जो आजकल इन्फेक्शन चल रहा है कोरोना का, वो क्या है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, क्योंकि जो कोरोना है वो किससे फैलता है, कफ के दौरान, स्नीज के दौरान और स्प्लिट से। ठीक है, ये क्या है, ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉपलेट आइसोलेशन करते हैं। इसके लिए एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। यह इन्फेक्शन हवा के द्वारा 3 फीट
यानी 1 मीटर तक फैल सकता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है वो हवा में स्नीज करेगा, हवा में छींकेगा या कफ करेगा तो 3 फीट की दूरी तक फैल सकता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए कि कौन कौन सी डिजीज ऐसी हो सकती है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोनिया, मम्स एंड कोरोना। ठीक है, ये कौन सी डिजीज़ है? ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये ड्रॉपलेट डिजीज़ है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फॉर एसीवी, जो हेल्थ केयर वर्कर है उनके लिए क्या प्रोटेक्शन काम में लेंगे, उनके लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन काम में लेंगे, यूज ऑफ पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और N95 मास्क है वो लगाएंगे जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, और पेशेंट से 3 फीट की दूरी बना के रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी पूछ सकता है प्रोटेक्शन फॉर एसीवी, जो हेल्थ केयर पर्सनल है, हेल्थ केयर वर्कर है उनके लिए, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट एंटेरिक आइसोलेशन, एंटेरिक आइसोलेशन रिक्वायर्ड इफ़ पैथोजन ट्रांसमिट थ्रू फेसेस, यानी जो भी पैथोजन है वो किससे फैल रहा है, फेसेस, जो फिकल मटेरियल है उससे फैल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटेरिक आइसोलेशन। इसके लिए जो भी SCP है, हेल्थ केयर पर्सनल है, उनको ग्लोव्स गाउन का यूज करना चाहिए। ठीक है, और जो भी सोइल्ड आर्टिकल्स है, लिनन है, उनको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। ये क्या है, एंटेरिक आइसोलेशन। नेक्स्ट है स्किन एंड वाउंड आइसोलेशन, जो स्किन एंड वाउंड आइसोलेशन है इसकी आवश्यकता उस केस में होती है जब पैथोजन है किससे फैलते हैं, किसी इन्फेक्टेड वाउंड से या कंटामिनेटेड आर्टिकल से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके फैलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, स्किन एंड वाउंड आइसोलेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या काम में लेना चाहिए, ग्लव्स गाउन काम में लेना चाहिए, और जो हैंड वॉश की प्रैक्टिस है वो रेगुलर करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एग्जांपल कौन सा केस में करते हैं जो स्किन एंड वाउंड आइसोलेशन, ये हम कब करते हैं, बर्न और गैस गैंग्रीन वाले पेशेंट है उनको हम क्या करके रखते हैं, उसको आइसोलेट करके रखते हैं। ये कौन से आइसोलेशन में आता है, ये स्किन एंड वाउंड आइसोलेशन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड आइसोलेशन, ब्लड आइसोलेशन ये कब जरूरत पड़ती है, जब भी जो पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ट्रांसमिट होते हैं किससे, ब्लड से, जैसे एड्स एंड हिपेटाइटिस। ठीक है, एड्स एंड हिपेटाइटिस ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, यानी ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफर हैंडलिंग ऑफ सांस, मैंने 2 टेक्निक्स पहले बता दिए, वो कौन सी थी, पहली थी एसेप्टिक टेक्निक और सेकंड आइसोलेशन। थर्ड कौन सा है, सेफर हैंडलिंग और साप्स। तो सेफर हैंडलिंग ऑफ साप्स का मतलब क्या होता है, जो भी साप्स है उनका करेक्ट क्या करे, डिस्पोजल करे, यानी करेक्ट डिस्पोजल में क्या मतलब, जो भी अपने इन्फेक्टेड सांप काम में लिए, जैसे आपने नीडल वगैरह काम में लिया है, तो उसको आप किस में डालोगे, ब्लू पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, और जो भी आपने कांच या कोई भी कांच को नुकीला पदार्थ है तो उसको आप किस में डालोगे, जो भी वाइट कार्डबोर्ड है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है लिनन हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, बेड मेकिंग और लिनन चेंजिंग टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल ज़रूरी है, जो भी वेस्ट है तो आप उसका सही तरीके से क्या करें, इसको डिस्पोज करें, तो मैंने उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट का एक वीडियो बना रखा है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें जो भी क्लिनिकल वेस्ट है, यानी जो हाई कंटामिनेटेड वेस्ट है, जो कौन कौन सा है, जैसे बॉडी फ्लूड है और ह्यूमन टिश्यू है, उनको अप्रोप्रिएट डिस्पोज करें। अगर कोई भी ह्यूमन टिश्यू है तो आप उसको कौन से कंटेनर में डालोगे, उसको डालोगे येल्लो कंटेनर में। ठीक है, नेक्स्ट है हैंडलिंग बायोलॉजिकल वेस्ट, हैंडलिंग बायोलॉजिकल वेस्ट इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी एरिया है उसको कवर करते हैं किसके द्वारा, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, यानी कोई भी वेस्ट है, अगर कोई भी बॉडी फ्लूइड है, तो उसको हम किससे क्लीन करते हैं, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से, यानी जो भी स्पिल या कोई भी आपने कहीं पे देखा होगा कोई ब्लड गिरा हुआ है, तो उस पर हम क्या डालेंगे, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, और उसको थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट के लिए लगभग उसको छोड़ देंगे, उसके बाद में उसी स्पिल को साफ करेंगे, फिर साफ करने के बाद में एक बार फिर से उसको हाइपोक्लोराइट से क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग जैसे हाई टच साइट कौन कौन सी होती हैं, जैसे बेड साइड रेल्स है, बीपी कफ है, बेड साइड टेबल है एंड टॉयलेट्स, इनको रेगुलरली आप क्या करें, क्लीन करवाएं और डिसइनफेक्टेड करवाएं। ठीक है, ये ज़रूरी है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करें कि कौन सा पेशेंट है, उसका कितना उसको रिस्क है, तो उसको आपके लिए क्या केयर करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन के चांस क्या है, बिल्कुल कम है, तो आप उसको रूटीन केयर के कर सकते हो।
जो अगर कोई पेशेंट है उसको आपको ऐसे लग रहा है कि उसमें मॉडरेट रिस्क है, चांस है इन्फेक्शन फैलने के लिए, तो आप क्या पहनोगे? ग्लव्स एंड मास्क। और हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर कोई आपको ऐसे लग रहा है ये पेशेंट है इसमें इससे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? पीपीई किट पहनोगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पहनोगे। पीपीई किट में सब कुछ आता है, जैसे उसमें गाउन है, फेस शील्ड है, मास्क है, कैप है, और जो शूज कवर है वो सब कुछ उसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट में हम बात करते हैं स्टाफ हेल्थ। तो स्टाफ हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो वो क्या है? इम्यूनाइजेशन करवाई, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको रोकने के लिए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या करवाएंगे? स्टाफ का टाइम टाइम पे जो इम्यूनाइजेशन है वो करवाए। और मेंटेन सेल्फ हाइजीन, उनकी सेल्फ हाइजीन भी ज़रूरी है, जैसे हैंड ओरल हाइजीन एंड नेल केयर। ठीक है, ये ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करके रखिए, हाथों को रेगुलर वॉश करते रहिए, ओरल हाइजीन है वो मेंटेन करके रखिए, नेल केयर है, नेल जो नेल्स हैं उनको हमेशा कट करके रखिए, छोटा करके रखिए, और उनको भी क्लीन करके रखिए। ठीक है, ये स्टाफ हेल्थ के अंदर है। ये था बैरियर नर्सिंग के बारे में। तो जो बैरियर नर्सिंग है ये किस लिए ज़रूरी है? ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये था बैरियर नर्सिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।